सो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 2021 के अंदर आने वाले 5G फोन्स के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो अभी के टाइम में आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिलता है जहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। जैसे कि रिसेंटली वीवो ने अपने V20 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च किया था जिसका प्राइस आपको 30,000 देखने को मिलता है। और वहीं OnePlus का Nord स्मार्टफोन देखने को मिलता है जिसका प्राइस आपको अंडर 25,000 के प्राइस में देखने को मिलता है। साथ ही Motorola की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किया गया था Moto G5G जो कि आपको 21,000 के प्राइस में देखने को मिलता है। और ये डिवाइस इंडिया के अंदर अब तक का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2021 के अंदर आपको ये सीन पूरा चेंज हो जाएगा, यानी कि आपको 2021 के अंदर मैक्सिमम डिवाइस 5G सपोर्ट के साथ में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपर मीडियम से लेके फ्लेक्सिबल वाले स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आपको मैक्सिमम स्मार्टफोन 5G के साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आप कोई भी डिवाइस बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो आप कुछ दिनों वेट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ महीनों बाद काफ़ी सारे 5G डिवाइस देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से 5G डिवाइस है जो कि आपको जनवरी के महीने में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। और वहीं अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इस तरह का टेक वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A72 5G डिवाइस के बारे में। इसके फीचर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले जो कि एक एमोलेड पैनल होगा। और वहीं आपको पंच होल का कवर भी दिया जाएगा, साथ ही आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही बात करी जाए इसके बिल्ड एंड लुक के बारे में तो ये डिवाइस आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में आएगा जहाँ पे आपको प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बैक पैनल पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा। और वहीं आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही लिक्स की मानी जाए तो आपको OS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए आपको कम से कम 4500 mAh तक का पावरफुल बैटरी मिलेगा या फिर रूमर्स की मानी जाए तो आपको 5000 mAh तक का बैटरी भी देखने को मिल सकता है। और जहाँ पर आपको शायद से 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट बात कर जाए इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे आपको सैमसंग की तरफ से रिसेंटली Exynos 1080 चिपसेट लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये चिपसेट आपको 5nm की टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो ये चिपसेट काफ़ी पावर एफिशिएंट होने वाला है जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा। साथ ही बात कर जाए इसके प्राइजिंग के बारे में तो ये डिवाइस आपको 30,000 से लेकर 35,000 के प्राइजिंग के अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगा। और रूमर्स की मानी जाए तो ये डिवाइस आपको नेक्स्ट ईयर जनवरी के लास्ट वीक तक लॉन्च किया जा सकता है या फिर आपको फरवरी के मंथ में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में तो ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी E52 5G जहाँ पे आपको मिलेगा 6.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले जो कि फुल एचडी प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको पंच होल का कवर दिया गया है, साथ ही आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी मिल जाएगा। और वहीं बात करी जाए इसके बिल्ड एंड लुक के बारे में तो ये डिवाइस आपको ग्लोसी लुक के साथ में आएगा। और यहाँ पे आपको बैक पैनल के अंदर 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। और वहीं बात कर जाए इसके प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 750G का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 8nm की टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो प्राइसिंग के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल का मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे भी 4500 mAh तक का बैटरी देखने को मिल सकता है, साथ ही आपको 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इन द बॉक्स देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में तो रूमर्स की मानी जाए तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस आपको 25,000 के प्राइसिंग के आसपास देखने को मिलेगा। और ये डिवाइस आपको जनवरी के महीने में ही देखने को मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले डिवाइस की तरफ तो ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 10 प्रो 5G जो कि चाइना के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अब ये डिवाइस आपको इंडिया के अंदर मी 10i के नाम से भी देखने को मिल सकता है। वैसे इसका नाम कुछ भी हो यहाँ पे आपको फीचर्स काफ़ी कमाल के देखने को मिलेगा और एस्पेक्ट्स आपको सेम ही देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा 6.67 इंच का बिग डिस्प्ले जो कि IPS LCD पैनल के साथ में आता है जो कि फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन भी सपोर्ट करता है। इसके साथ ही आपको पंच होल का कटआउट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अंदर 120Hz का रिफ्रेश का सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको IPS LCD होने के बावजूद भी क्वालिटी यहाँ पे आपको काफ़ी टॉप नॉच का देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 4820mAh का पावरफुल बैटरी मिलेगा, साथ में आपको 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इन द बॉक्स देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आपका बैटरी जो है करीब 58 मिनट के अंदर ही 0 to 100% चार्ज हो जाएगा। और वहीं आपको परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस आपको प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी कमाल का देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करिए इसके हाईलाइट फीचर के बारे में तो इस डिवाइस के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो रेडमी की तरफ से ये फर्स्ट डिवाइस है जो कि आपको मिड रेंज के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो रेडमी यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम किया है। इसके साथ ही आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा इस डिवाइस का काफ़ी टॉप नॉच का देखने को मिलता है।
तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इस डिवाइस का प्राइसिंग आपको 18,000 से लेकर 20,000 के प्राइसिंग के बीच में देखने को मिल जाएगा। और इस डिवाइस का लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुका है। ये डिवाइस आपको 5 जनवरी को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा, जो कि Xiaomi की तरफ से कंफर्म हो चुका है। तो अब बात करते हैं Realme की तरफ से आने वाले 5G डिवाइस के बारे में। तो ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा Realme की तरफ से, Realme 7 5G, जो कि थाईलैंड के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और ये डिवाइस आपको शायद से इंडिया के अंदर Realme 8 के नाम से भी देखने को मिल सकता है। और वहीं इसके फीचर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल पंच होल कटआउट के साथ में आएगा। साथ ही आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश का सपोर्ट दिया जाएगा और ये डिस्प्ले आपको IPS LCD पैनल ही देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको बैक साइड की ओर पॉलीकार्बोनेट का बैक यूज़ किया जाएगा, जहाँ पर आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिलेगा। और वहीं आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। और वहीं आपको इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh का पावरफुल बैटरी मिलेगा, जहां पर आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग इन द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात कर जाए इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस के अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 800U का चिपसेट, जो कि 5G की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। और ये प्रोसेसर आपको 7nm की टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, आप काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे। तो अब बात करिए इसके प्राइसिंग के बारे में, तो ये डिवाइस आपको 15,000 से लेकर 17,000 के प्राइसिंग के अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगा। और ऐसा मोस्ट चांस है कि ये डिवाइस आपको नेक्स्ट ईयर जनवरी के महीने में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर Realme इस डिवाइस को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है, साथ ही Realme के भी फैंस भी इस डिवाइस को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि इसका प्राइसिंग आपको काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको Realme की तरफ से और दो 5G डिवाइस देखने को मिलेगा, जो कि Realme X7 और X7 Pro होगा। और ये दोनों ही डिवाइस आपको चाइना के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे Realme X7 की फीचर्स की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको मिलेगा 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले, जो कि फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में आएगा। और वहीं आपको पंच होल का कटआउट, साथ ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया जाएगा। और नेक्स्ट बात करी जाए इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इसका बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी प्रीमियम किस्म का डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेगा। और वहीं आपको बैक पैनल पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। और इस डिवाइस के अंदर आपको 43mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आपको 65W का सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और इजी बॉक्स देखने को मिलेगा। तो अब बात कर जाए इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 800U का चिपसेट देखने को मिलता है। और इसका प्राइसिंग भी आपको काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिलेगा। रूमर्स की मानी जाए तो ये डिवाइस आपको 20,000 के प्राइसिंग के अंडर ही लॉन्च किया जाएगा, तो इसका प्राइसिंग आपको काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं Realme X7 Pro डिवाइस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6.55 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दिया जाएगा। साथ ही आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सिंगल पंच होल का कटआउट और वहीं आपको फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया जाएगा। तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको MediaTek Dimensity 1000 प्लस का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि फ्लेक्सी लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और ये प्रोसेसर आपको 7nm की टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल का होगा। साथ ही इस डिवाइस के बैटरी की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 4500mAh का पावरफुल बैटरी मिलेगा। और इस डिवाइस के अंदर भी आपको 65W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इन द बॉक्स देखने को मिलेगा। और वहीं बात करी जाए इसके एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के बारे में, तो ये डिवाइस आपको इंडिया के अंदर 25,000 के प्राइसिंग में ही देखने को मिलेगा। और ये डिवाइस आपको जनवरी के महीने में ही लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे Realme का X7 और X7 Pro दोनों ही डिवाइस आपको प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी कमाल का फीचर्स ऑफर करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं Vivo की तरफ से आने वाले 5G डिवाइस के बारे में, तो ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा Vivo X60 सीरीज, जहाँ पे आपको 3 डिवाइस लॉन्च किया जाएगा, जो कि आपको X60, X60 Pro और इसका जो सबसे टॉप मॉडल होगा वो आपको X60 Pro Plus देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको X60 और X60 Pro दोनों ही के अंदर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन आपको X60 Pro के अंदर जो है कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको दोनों ही डिवाइस के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश का सपोर्ट भी दिया जाएगा। और वहीं आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी मिल जाएगा। अब बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसके अंदर आपको सैमसंग की तरफ से Exynos 1080 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि सैमसंग ने हाल ही में लॉन्च किया है। और यहाँ पे आपको काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और आप दमदार गेमिंग कर पाएंगे। साथ ही आपको X60 के अंदर जो है 43mAh का बैटरी मिलेगा और वहीं आपको X60 Pro के अंदर 42mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। साथ ही आपको दोनों ही डिवाइस के अंदर 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको Vivo X60 के अंदर 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको 13MP का वाइड एंगल लेंस एंड आपको 13MP का फोटो लेंस देखने को मिलता है। और वहीं आपको X60 Pro के अंदर जो है 48MP का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही आपको 8MP का एक पेरिस्कोप जूम लेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट देखने को मिलेगा।
तो नेक्स्ट बात करते हैं वीवो X60 प्रो प्लस के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 888 का पावरफुल चिपसेट जो कि स्नैपड्रैगन ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल का देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप किसी भी गेमिंग को हाई सेटिंग पे काफ़ी स्मूथली प्ले कर पाएंगे और ये चिपसेट आपको 5 nm की टेक्नोलॉजी में बेस्ड है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर हमें कितना मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा इसके बारे में फिलहाल कोई भी लीक्स नहीं है। तो अब बात करते हैं तीनों ही डिवाइस के प्राइसिंग के बारे में। तो X60 का प्राइस आपको 35,000 देखने को मिलेगा और वहीं इसका दूसरा मॉडल X60 प्रो जिसका प्राइस आपको 50,000 देखने को मिल सकता है और उसके साथ ही वीवो X60 प्रो प्लस जो होगा उसका प्राइस आपको 60,000 से लेकर 70,000 के प्राइसिंग के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वीवो की तरफ से X60 सीरीज के अंदर काफ़ी कमाल के कैमरा देखने को मिलेगा और हाँ आपको तीनों ही डिवाइस के अंदर गिम्बल कैमरा जैसा टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा। तो कैमरा इस डिवाइस का काफ़ी धांसु होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको OnePlus की तरफ से भी काफ़ी जल्द 5G डिवाइस देखने को मिलेगा जो कि फ्लेक्सी लेवल के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ये डिवाइस आपको OnePlus 9 देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही आपको 120Hz का स्मूथ डिस्प्ले दिया जाएगा और वहीं रूमर्स की मानी जाए तो आपको 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा या फिर आपको क्वाड रियर कैमरा भी देखने को मिल सकता है और आपको फ्रंट के अंदर 32MP तक का पंच होल कैमरा दिया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे भी स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि अब तक का मोस्ट पावरफुल चिपसेट है और ये प्रोसेसर आपको 5 nm की टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो यहाँ पे जो है आपको परफॉर्मेंस काफ़ी धांसू देखने को मिलने वाला है। साथ ही बैटरी की बात करी जाए तो आपको 4500mAh का पावरफुल बैटरी मिलेगा जहाँ पे आपको 65W का सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और वहीं बात करी जाए इसके प्राइसिंग के बारे में तो ये डिवाइस आपको 50,000 के प्राइसिंग के आसपास देखने को मिल जाएगा और ये डिवाइस आपको नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में ही लॉन्च किया जाएगा यानी कि ये भी डिवाइस आपको जनवरी फरवरी या फिर आपको मार्च में तो डेफिनेटली ये डिवाइस लॉन्च होगा ही। सो गाइस जैसा कि OnePlus अपने फ्लेक्सी 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहा है तो ऐसे में सैमसंग कैसे पीछे रह सकता है। तो यहाँ पे आपको सैमसंग की तरफ से S21 सीरीज के अंदर 3 डिवाइस काफ़ी जल्द देखने को मिलेगा जो कि S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा के नाम से लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पे आपको तीनों ही डिवाइस के अंदर काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा क्योंकि इसके अंदर आपको मिल सकता है स्नैपड्रैगन 888 का दमदार चिपसेट जो कि अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट है और अब तक का सबसे महंगा प्रोसेसर है क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको इंडिया के अंदर जो है सैमसंग की तरफ से एक्जिनोस 2100 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि सैमसंग का खुद का चिपसेट है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दोनों ही चिपसेट के अंदर काफ़ी कमाल का देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक्जिनोस के इस चिपसेट के अंदर परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा लेकिन आपको हो सकता है कि 19 का डिफरेंट देखने को मिल जाए। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको तीनों ही डिवाइस के अंदर काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो इसका प्राइसिंग आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगा और जैसा कि इसका प्राइसिंग आपको 75,000 से लेके 1,00,000 तक देखने को मिल सकता है और ये भी डिवाइस आपको जनवरी या फिर आपको फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था 5G अपकमिंग फोन्स। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। साथ ही आप लोग किस डिवाइस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है आप हमें जरूर से कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।